नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वॉल आर्ट को लेके, वॉल पेंटिंग्स को लेके। वॉल को डेकोर करने के लिए, वॉल को प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशंस में अगर कोई एलिमेंट है तो वो है पेंटिंग्स, जिनके बारे में आज हम आपको कुछ डिटेल देंगे। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे पेंटिंग्स, सारे के सारे आर्ट वर्क लिमिटेड हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट बिफोर वी बिगिन द वीडियो, आई एम शेयरिंग सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विद यू, आई होप दैट विल हेल्प यू। सबसे पहले तो जब भी आप वॉल आर्ट खरीदें तो अपने थीम को मैच कर लें, प्रॉपर साइज़ को मैच कर लें। बिगर इज़ बेटर पेंटिंग के बारे में कहा जाता है, तो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। आपके वॉल के ऊपर आप सिंगल साइज़ ले रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वॉल कैसी है। हेडबोर्ड की तरफ आप वर्टिकल ना लेकर हॉरिजॉन्टल ले लें, वो अच्छे दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वॉल आर्ट थोड़ा छोटा है तो मल्टीपल ले लें। इसके अलावा फ्रेम जो है वो आपके थीम से मैच कर लें, इनर कलर जो है वो भी थीम से मैच कर लें। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लोग जो करते हैं मिस्टेक, वो है उनकी हाइट को लेके। आपकी पेंटिंग जो है ह्यूमन हाइट पे होना चाहिए, यानी कि पेंटिंग का जो सेंटर पॉइंट है वो आपके आई लेवल यानी कि 6 फीट के आसपास होना चाहिए, बिटवीन 5 to 5.5 feet, मैक्सिमम बाय 6 feet होना चाहिए अगर लार्ज साइज है तो। ट्राई करें जितना हो सके मैक्सिमम अपने वॉल को कवर कर लें। और अगर आप चाहते हैं इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट करना तो आप डार्कर टोन में ले लें, ये हार्मनी रिदम क्रिएट करने के भी काम में आते हैं, नेगेटिव स्पेस को पॉजिटिव स्पेस में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं। घर के किसी भी स्पेस में आप पेंटिंग लगा सकते हैं, मूड एलिवेशन और थेरोपेटिक वे में भी पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपके मूड पे अच्छा असर भी डालते हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। हेलो अश्विनी जी। हाय संजीव जी, कैसे हैं आप? मौज मौज। अरे वाह, क्या बात है। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओके, सो जब भी अश्विनी जी स्क्रीन पे आएंगे ब्लास्ट होगा, एक हमारी लाइन बन गई आपके साथ। ट्रू, वेरी ट्रू। राइट, सो हम जिक्र करते हैं हमेशा कि लेवांटो हमारे पास हैं, जो कि लग्जरी मैट्रेस ब्रांड है। इसके अलावा फैंसार्ट है, जो आईएमजी नॉर्वेट, ये दोनों का मैं क्लाइंट हूं। मेल, अब बहुत बड़ी बास्केट हो गई है संजीव जी, कितने लोगों के कितना नाम लेंगे। बिल्कुल, फैंसार्ट मेरे पास है और लेवांटो मेरे पास है। यस, एंड आईएमजी नॉर्वे। आईएमजी नॉर्वे मैं तीनों को यूज कर रहा हूं एंड एक्सट्रीमली कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स। एंड मुझे लगा था शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कभी, लेकिन कहीं ना कहीं समा हुआ है मैनेज्ड, ट्विस्टेड एंड ट्वीक कर लिया मैंने मेरे बजट को। यू एक्चुअली मेड इट वेरी बी फिटिंग इन माय पॉकेट, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डिड इट फॉर अस। हम मुझे तो उसको फिट करना ही था, अगर आपके उसमें मैनेज नहीं होता तो मैं ईएमआई बना देता, पर अच्छा। ये तीनों चीजें देता जरूर आपको। ओह माय गॉड, यू आर गिविंग सच अ टेम्पटिंग ऑफर, लोग बोल देंगे कि अब ये ईएमआई कर दो हमारे। ओके, वो इतने क्लोज हो हमारे तो हम जरूर करेंगे। राइट, वेल एवरीबॉडी इज क्लोज टू यू एंड आई हैव सीन दैट पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर इन लव विद यू। पीपल, समबडी फ्रॉम अमेरिका एंड देन द जेंटलमैन यू टोल्ड मी, अजय, पीपल फ्रॉम पलवल, फ्रॉम मतलब दिस होल डॉक्टर फैमिली वाज सो सच अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। हैदराबाद, बेंगलोर, माय गॉड, ओके, गोवा। राइट, ओके, सो दिस इज ऑल, बट टुडेज टॉपिक इज पेंटिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट पेंटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हम फीडबैक दे चुके हैं, थोड़ा सा एक दो और दे दें अगर आप अलाउ करें प्लीज। फिर हम बात करेंगे सोर्सिंग की और किस तरह की पेंटिंग्स हैं, कैसे परचेज करना है। इंडिया में जनरली पेंटिंग्स को लेके लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो हमने आगे टिप्स में लोगों के साथ शेयर कर दी। और ऐसी पेंटिंग्स की लोगों को तलाश होती थी वॉल आर्ट की जगह पे। वॉल आर्ट मतलब मेटल लोग लगाते थे। मेटल एक्चुअली बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली देखें तो कल्चर में रहा नहीं है। पेंटिंग एक ऐसा वॉल आर्ट है जो हमेशा हिस्ट्री का, अगर आप देखें तो मतलब जब से ह्यूमन रेस है, जब से ह्यूमन है, सेपियंस जब से पैदा हुए, तब से मेरे ख्याल से जो है वॉल आर्ट बनने लगी है। इनफैक्ट कार्विंग वहीं से शुरू हुआ। चेंज कर देती है पेंटिंग आपका रूम का एम्बियंस, चेंज कर देती है आपके वाइब्स, चेंज कर देती है। मैं बोलूंगा कि कुछ वॉल पे लगने के बाद में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि पेंटिंग्स का एक अलग ही टेस्ट है। राइट, सो हार्मनी, कोऑर्डिनेशन और खराब वॉल आर्ट को कवर करने के लिए एक कंप्लीट सेंस ऑफ भी आता है। एम्प्टी वॉल्स जो होती हैं, ब्लैंक वॉल्स, वो अच्छे दिखाई नहीं देते, सो यू हैव टू बैलेंस। एक और रूल हमने बताया था कि बिगर इज बेटर, तो साइज को लेकर लोगों में कंफ्यूजन था। नाउ यू हैव सम पेंटिंग्स, आप बता दें साइज के केस में। संजीव जी, ऐसा होता है कि अगर आप एक साइज स्टैंडर्ड साइज लेते हैं तो अगर आपने उसका साइज बढ़ाना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो आप नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पेंटिंग भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसका साइज कवर होता है। और अगर किसी को एप्रिहेंशन है कि मैं किस साइज की पेंटिंग लगाऊं, तो उसका एक रेशियो कैलकुलेशन है। किसी भी वॉल को आप मैक्सिमम जितना कवर कर सकते हैं करें, लेकिन इट शुड नॉट बी द होल कवर एरिया, शुड नॉट बी लेस देन 25%। वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बहुत छोटी हो जाएगी वो पेंटिंग।
ओके, अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की। हमारे पास पेंटिंग्स है, आपके साथ देखने चलेंगे पेंटिंग्स की। संजीव जी, एक अच्छी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। वो आर्किटेक्ट सुन भी रहे होंगे जिन्होंने मुझसे ये काम करवाया। एक्चुअली मैंने ये एक होटल का प्रोजेक्ट किया था। अच्छा। तो कारपेट दिए तो उन्होंने मुझसे बोला कि पेंटिंग भी मिल जाएगी, और मैंने बोला कि हाँ मिल जाएगी, क्योंकि मैं चाहता था कि सारे काम हमारे पास ही आ जाएं। सो वो प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, और बहुत ही अच्छे होटल की चेन है जी। कुछ प्रोटोकॉल की वजह से उसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सो मैंने उनको पेंटिंग अरेंज करने के लिए हाँ कर दी। फिर उन्होंने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई कि मुझे इस जगह पे इस तरह की पेंटिंग चाहिए, इस तरह की पेंटिंग चाहिए, इस जगह पे ऐसी पेंटिंग चाहिए, इस वॉल पे ऐसी चाहिए। तो जो मैंने सीख लिया तो एटलीस्ट हमने कहा इससे यूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अब वो पेंटिंग जो है, सही बात है, मैंने और हमने खुद ट्राई कर लिया है, दे हैव कम आउट रियली रियली वेल। यस, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी देखने जी। अच्छे, चलिए उसके बाद और समझ में आने लगा कि यस हम पेंटिंग में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो हमने मिलके वी हैव डिसाइडेड टू मेक दिस कि हम ना कुछ पेंटिंग्स दिखाएंगे अभी, और सारी की सारी पेंटिंग्स का बाद में ब्रीफिंग देंगे, पहले सिर्फ आर्टवर्क दिखा देते हैं। अब आर्टवर्क दिखाइए संजीव, उसके बाद में हम बताएंगे कि कैसे करना है। यस यस यस, कौन सी आप उसमें साथ साथ ये भी बताते चलिएगा कि कौन सी पेंटिंग किस जगह पे अच्छी लगेगी है। जन तो अभी इनिशियली हमने कोई 120 पेंटिंग से स्टार्ट किया है जी। साइज एक है। क्या साइज है सर इनका? साइज इसका फ्रेम साइज जो है दैट इज 20 इंच बाई 22 इंच। चलिए, एक एक पेंटिंग अपने में बोल रही होगी, और मैंने बताया है कि जिस डिजाइनर्स ने सिखाया उनकी सीख को लेकर आए हुए हैं, और उसी रेप्लिका को जो उस होटल में लगी हैं उसी रेप्लिका को मैंने यहाँ पे उतारा है। चलिए तो क्विकली बता दें, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के फ्रेम है, एक जिनमें से एक है मैट फिनिश वुडन फ्रेम जी, और जो कि वाटर रेजिस्टेंट टर्माइट प्रूफ है, ये सिंथेटिक मटेरियल है, प्योर वुड में नहीं है जी। और ये इसका एक और बेनिफिट है कि अगर आप इसको कभी ऐसे मॉइस्चर वाले एरिया में लगाते हैं जैसे बाथरूम है, पाउडर रूम है, तो वहाँ पर भी किसी तरह का यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ बेंडिंग इशूज और टर्माइट इशूज, और कोरोजन भी नहीं होगा इसमें। एंड वुड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टुडे, इवन इफ यू आर मेकिंग अ लग्जूरियस होम, तो दिस गोज वेरी वेल। माउंटिंग जो है वैसे अप्रोप्रिएटली डन, अराउंड 1.5-2 इंच के इसके अंदर माउंटिंग अच्छी है। अगर आप एक कंसोल के साथ में ऊपर लगा देते हैं, साथ में दो फ्लास्क रख देते हैं जी, सो इसके यूजेस जितने हैं संजीव जी के, आप कहीं पर भी लगाइए। पेंटिंग एक एक पेंटिंग को आप फील कीजिए। बिल्कुल। और साइज आपने बताया 22 इंचेस बाय 22 इंचेस। यस, और लिटिल मोर देन दैट, नहीं 22 इंच है जो फ्रेम का साइज है, आउटर टू आउटर। या दैट्स 22 इंचेस बाय 22 इंचेस। चलिए ठीक है। अब आपको हो सकता है कई सारे हमारे क्लैपर फैमिली मेंबर्स को लगता हो कि उनको एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, पांच चाहिए, छह चाहिए, वो मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। यस राइट। अब ये हमने कुछ थीम बेस बनाए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नेचर इंस्पायर्ड है पूरा का पूरा, तो ये तीन है, इनके फ्रेम्स भी एक जैसे हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ब्राउन फ्रेम ले रहे हैं तो सारे ब्राउन ले लें, और एल्स यू कैन प्ले विद दिस, जैसे ये दो ब्राउन कर लिया, दो बीच में आपने वाइट कर लिया, बट अदरवाइज ब्राउन इज लुकिंग गुड। सो दिस इज वन थोड़े डार्क टोन में, एंड दिस वन इज लिटिल टुवर्ड्स द डार्क लाइटर टोन, इनके जो प्रिंट हैं वो थोड़े से लाइटर में है। राइट, इतनी वैरायटी दे रहा हूँ, इतनी वैरायटी है कि कोई किसी भी डिजाइनर्स को दिक्कत नहीं आएगी कि इस वॉल पे लगानी है, उनको कौन सी चीज चाहिए। हर तरह के कर्टन फैब्रिक के साथ मैच करती हुई है जी। मुझे लगता है बहुत सारे हमारे इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड्स हैं जिनको क्विक सोल्यूशन चाहिए होता है जी। हाँ जी, है ना, मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये। एंड इवन इस वीडियो के बाद में मैं वापस उन मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा हूं कि वो हमें कंसल्टेंसी दे दें फर्दर। अच्छा, या सो ऑलराइट, मैं इस तरह की पेंटिंग बनाता रहा हूं। वैसे ये पेंटिंग्स ऑलरेडी किसी होटल चेन्स की रेप्लिका हैं। ओके डन। सो दिस इज टुवर्ड्स द लाइटर टोन जो हमने यूज किए हैं, उससे मिलती जुलती हैं ये जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये सेट ऑफ थ्री। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। या ये हमारा नेक्स्ट सीरीज है जिसमें हमने फ्लोरल बेस में है पूरा, या दो लाइट बेस लेके एक बीच में डार्क दिया हुआ है। राइट, सो ठीक है, अलग ही थीम क्रिएट करते हैं ये। सो इस तरह से है थीम, इस तरह इसमें हमने क्या किया है, इसमें एक लाइट टोन लेके और दो डार्क टोन दिए हुए हैं जी। दो इसमें सब शेड्स ऑफ ब्लू हैं जी। ऑलराइट, इनमें अगर आप फ्रेम को आप चेंज कराना चाहें तो वो ऑप्शन सभी हमारे पास है, नहीं है अभी फिलहाल नहीं है। right. क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये किसी की डिजाइन के दो पीसेस बनाकर मैंने उनको दे दिए हैं, यहाँ पे लिए हैं, आगे फ्रेम पे भी डेवलपमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमारी नई रेंज थी जी। तो ये हमारे पास ब्राउन में है। या राइट, ये थोड़े ज्योमेट्रिकल प्रिंट में है, अगर किसी को ज्योमेट्रिकल चाहिए तो वो ज्योमेट्रिकल। आप इसको गौर से देखिए, ऐसा नहीं लगता ये फैब्रिक के ऊपर पेंट किया हुआ है। अगर आप नजदीक से देखेंगे तो हाँ बिल्कुल वैसे ही लगेगा,
बिकॉज़ आई हैव सीन इट क्लोजली मतलब आंख रुक जाने वाली चीज है जी जी वेरी नाइस इसमें टेक्सचर का फिनिश है पूरा या वेरी ब्यूटीफुल ये उन्होंने अपने वॉशरूम में लगाए हुए हैं अच्छा चलिए ऑलराइट कुछ हमारे पास अभी और सैंपल्स हैं वो देख लेते हैं ना ये तो कुछ प्रोडक्ट हो गए जो डिस्प्ले पे हैं जी कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास डिस्प्ले हम नहीं कर पाए स्पेस की वजह से चलिए वो दिखाते हैं ओके जी तो ये एक फ्लोरल प्रिंट में वाइट बैकग्राउंड के ऊपर और इस ये भी मोटवर्स फ्लोरल थीम में है तो आप फ्लोरल से इसको मैच कर सकते हैं और इसका ब्राउन कलर का फ्रेम है ये पिछवाई आर्ट जैसा है यानी कि बैकग्राउंड इनका डार्क होता है और बाकी फ्लोरल थोड़े से हल्के होते हैं ये भी ब्राउन में है और दिस वेरी सटल ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके स्पेस बहुत ज़्यादा बिजी ऑलरेडी हो गए तो बहुत लाइट चाहते हैं दिस इज़ गुड ओ माई फेवरेट वाइट हमने जी मुझे लगता है क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक सीम में अच्छे जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि वॉल पेंटिंग है अलग से स्ट्राइक नहीं करता वो राइट चलिए इसको हटाते हैं दिस अगेन इज मोनोक्रोमेटिक ब्लू के वाइट के थीम में ऐसा ही कुछ हमारे पास भी है क्योंकि ब्लू वाइट का थीम था नेक्स्ट देखते हैं जो पीच के थीम में वाइट एंड पीच नाइस ऑलराइट क्योंकि लिमिटेड हमारे पास इनके पीसेज हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसको दिखाना है अगला देखते हैं जी ये ब्राउन के फ्रेम में डन ओके एक चीज़ बता दें जो आगे हमने लगाया हुआ है ये एक्रेलिक शीट है ग्लास नहीं है ये सो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर जनरली लोगों को डर होता है ग्लास का एक्रेलिक नॉन ब्रेकेबल आइटम है अनलेस यू मेक इट वेरी डिलिबरेटली मुझे ट्रांसपोर्ट करने में इसे दिक्कत नहीं आएगी राइट और अगर गिर भी जाएगी वॉल से अगर आप नेल कर रहे हैं इसको तो आपके ये टूटेगी नहीं क्योंकि एक्रेलिक शीट है हाँ अगर कोई कोशिश करेगा तो हर चीज़ टूट जाती है दिल भी टूट जाता है लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ ओके आई नो दैट वाज वेरी चीज़ी है ना ओके दिस इज़ ग्रीन जिनको ग्रीन का थीम बनाना है ग्रीन ब्लू बेज के थीम में जिनको लगाना है उनके लिए अच्छा है ये दिस अगेन इज द नेक्स्ट वन इज कमिंग इज वाइट एंड येलो कोई कलेक्शन आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये कुछ ओवर है नो नॉट एट ऑल यस ये सच है ये मतलब ऐसा है ही नहीं इसमें बिल्कुल एंड एक अच्छे डिजाइनर्स की टीम ने बैठ के ये सारे डिजाइन सेलेक्ट किए थे तो करेक्ट करेक्ट और इसमें क्या है कि एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी थी कि बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है ये तो आप कहीं भी किसी स्पेस को क्विकली आप मेकओवर कर सकते हैं लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक पीस लगा सकते हैं दो का सेट लगा सकते हैं तीन का सेट लगा सकते हैं सिंगल लगा सकते हैं बिल्कुल ठीक बात है कई कई एरिया में से एक ही चाहिए होता है अच्छा मुझे लगता है कि कई सारे होटेलियर्स हैं उनको लॉबीज में अपने रूम्स में ये वहीं गए थे लिए हर रूम में लगाएंगे अगर किसी को चाहिए तो पूरा बल्क में भी ले यस, सकते हैं यस 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 चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट घर के अंदर के लिए में भी पांच पांच पीस छह छह पीस मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक एक घर में लगेंगे बिल्कुल ठीक बात है और जब मैं इसके प्राइस बताऊंगा तब तो वाकई आप कहोगे अच्छा चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ अगला देखते हैं यस प्लीज All of them, they are inspired by nature, barring few. Two of them, they belong to geometrical pattern and you can use them anywhere. Any kind of theme, no matter what you are doing in your house, any kind of your theme you are following, this is the last one in the blue color. That's how it will be packed. ये इस तरह से bubble pack होके जाएगा। जी हाँ, bubble pack के बाद में एक hardboard से pack होगा। Hardboard से? Okay. ताकि ये safe रहे। Yes, yes, yes. ठीक है। Okay. So we are done, अश्विनी जी। कलेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा था, very nice. हमने तो already देख रखा था, हम तो बहुत खुश हुए हमें तो। बहुत अच्छा लगा जी इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो थीम्स नहीं समझ पाते जैसे सेरेब्रलिज्म अलग होता है एब्स्ट्रैक्ट थीम अलग होता है माइथोलॉजिकल अलग होता है पेंसिल आर्ट अलग है पेन आर्ट अलग है कलरफुल आर्ट अलग है सिनेक ब्यूटी अलग है वो सब जो है इतने थीम्स के हिसाब से मैच करने में एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है ये वो आर्ट है जो किसी भी घर में आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगी और अभी इसके बाद में जो बन भी रही हैं वो भी ऐसे ही है चलिए ठीक है अब ये कुछ लिमिटेड पीसेज हैं हमारे पास इनको परचेज़ करने में क्या अभी हम प्राइस की बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज़ पूछेंगे कि अगर किसी को मिक्स एंड मैच करना है ब्राउन के टोन्स के फ्रेम हो या फिर वाइट के तो वो और वो लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं आउट ऑफ थ्री का सेट नहीं लेना है दो का सेट लेना है वो सब कर सकते हैं ही कैन टेक ओके तो आपको कैसे ऑर्डर प्लेस करना है संजीव जी स्क्रीन शॉट पर इस समय का सारा स्टॉक आया हुआ है जिन्होंने जो पसंद आनी है उसकी फोटो मुझे भेज देनी है आई विल सेंड इट चलिए इन केस अगर आपके फ्रेम में मोर देन वन पेंटिंग है थ्री का सेट दिख रहा है और आपको एक पर्टिकुलर चाहिए तो उसको टिक कर दीजिए थोड़ा हार्ड वर्क है अदरवाइज आपके पास से कोई पीडीएफ है इसका मुझे तीन मैं पीडीएफ भेजूंगा हूं लेकिन पीडीएफ संजीव जी एक साथ जब हमारे पास में और कलेक्शन भी आ जाएगा तो मैं मास्टरपीस बना के दूंगा जिसमें डिजाइन नंबर भी होगा लेकिन कोई भी ड्राइंग पेंटिंग हम कोशिश करेंगे कि रिपीट ना हो चलिए ये मेरी कोशिश है और बाकी देखते हैं कि कितने किस लेवल तक इसकी सर्च कर पाएंगे लेकिन मेरी कोशिश है कि कोई भी डिजाइन की रिपीट नहीं होगी
ऑलराइट, क्योंकि फास्ट फिलिंग है, क्विक करना होगा क्योंकि लिमिटेड स्टॉक हमारे पास है। अभी 100 के आसपास है हमारे पास अभी, एज ऑफ नाउ 100 पीसेस। ऑलराइट, अब प्राइस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या प्राइस है इसका? 2500 डिलीवरी फ्री, जीएसटी इंक्लूड। ऑलराइट, 2500 रुपीस पर पेंटिंग। मैंने वही रेट दिया है जो प्रोजेक्ट्स में गया है। चलिए ठीक है, ओके। ये सिर्फ लिमिटेड ऑफर के लिए है, अदरवाइज इसका अगर फिर से हम फ्रेम कराएंगे तो इसका प्राइस ऑफ कोर्स ज्यादा। इस क्वालिटी का अगर आप फ्रेम भी कराते हैं, पेंटिंग को छोड़ भी दीजिए, तो भी यही कॉस्ट आती है। ओके ठीक है, तो इवन उसमें हम जीएसटी भी दे रहे हैं एंड डोर डिलीवरी। ऑलराइट, चलिए, लिमिटेड ऑफर्स के लिए प्राइस वैलिड है, आने वाले प्राइस में प्राइसेस का चेंज हो जाएगा, दैट इज अश्योर्ड, आगे बढ़ जाएगा, है ना? अभी बहुत बहुत कम प्राइस पे, बहुत बहुत कम प्राइस पे, बहुत बहुत अच्छा अच्छी पेंटिंग्स, मतलब बिल्कुल क्लास। चलिए, टाइम टू से गुड बाय, बट वंस अगेन एक पेंटिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं? एक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा नहीं लगेगा, तो ऑलवेज प्लेस ऑर्डर एटलीस्ट फॉर टू, सिंगल पीस उतना अच्छा नहीं लगेगा घर में, राइट? ओके सर, हर किसी के क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स के दीवार पे अगर फैन वो लगी होगा, मेरी पेंटिंग लगी होगी, तो उन्हें याद तो रहेगा ना। बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू वंस अगेन, फॉर मोर डिटेल एंड इंक्वायरी दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद यू, राइट? थैंक यू सो मच।